पहली चीज तो ये सिद्ध हो गई, मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण परम भगवान है, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। आपके जितने रिश्ते हैं वो सब सेकेंडरी हैं, प्राइम रिश्ता है आपका भगवान के साथ जो है। हम हर जन्म में आते हैं, मेरे ये, मेरा वो, मेरा वो, और जो आपका है उसको तो आप भूल ही गए हो। असली में आपके तो सिर्फ एक ही हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण, जो आप कोई भी जन्म लेते हो वो थे, हैं और रहेंगे। और मजे की बात यह है प्रभु जी, जब हम कीड़ा बन के भी आते हैं तो परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कीड़े में भी जब आत्मा होती है उसके साथ परमात्मा विराजमान है। बाकी सारे रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, माता पिता पुत्र सब छोड़ जाएंगे, परंतु भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। किसी भी अवस्था में हम होते हैं प्रभु जी, परंतु चक्कर क्या होता है कि हम भगवान की तरफ कभी मुंह मोड़ते नहीं हैं, उनसे मुंह दूर रखा हुआ है। तो इसलिए अब आता है कि प्रभु जी कैसे भगवान, योग सारी चीज़ों का काम एक ही है, योग भगवान से जुड़ना, कैसे जुड़े भगवान से। तो पहली चीज़ शुरू करते हैं प्रभु जी, तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक जीवन के अंदर होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो ये इन तीनों की बात नहीं करूँगा तो 24 घंटे की बात कैसे होगी प्रभु जी। तो पहले लेते हैं मकान। ठीक है, भागवत कहती है भगवान का अगर चित्र हो पेंटेड, अर्च विग्रह हो, ये सारी चीजों को बोला गया है कि इनको और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं है। तो आप पहला काम ये करिए, जयपुर वासियों के लिए तो बहुत आसान है, राधा गोविंद देव जी का चित्र लाइए, अपने मंदिर में सेंटर पे लगाइए। बाकी जो देवी देवता हैं शुरू में आप निकाल नहीं पाओगे, जो निकालने की सर्वधर्मान परित्यज्ञा करके भगवान की आज्ञा पालन करने के चक्कर में, उन सबको लपेटें, वृंदावन जाएं और जमुना जी में हरिबोल करें आए, देवी देवता बहुत खुश होंगे। अब जहां भगवान विराजमान होते हैं वो जगह मंदिर होती है या घर होता है? और हम इतने बदमाश हैं, वो कोने को मंदिर मानते हैं सिर्फ, जहां भगवान को बैठा देते हैं। ये बताइए, ये पूरा प्रांगण जो है ये मंदिर है कि सिर्फ भगवान जहां घुसे हुए हैं वहीं वही मंदिर है? तो आपने घर में जब भगवान को स्थापित किया तो वो मंदिर वहां नहीं है सिर्फ, पूरा घर क्या है? मंदिर हो गया। उसका मतलब जितना पैसा आपने कमा के उसमें लगाया था वो किसको क्या हो गया प्रभु जी? भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है मंदिर में, जो पैसा लगाते हैं उसको भक्ति कहते हैं, नहीं कहते प्रभु जी? तो आपके घर को आपने जो पैसा लगाया वो क्या बन गया? भक्ति। अब उसको मेंटेन करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, उतना समय जो पैसा पे कन्वर्ट करोगे, वो पैसा जो आप घर में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो कि मंदिर में लगा रहे हो? आपने घर को साफ रखा, माता झाड़ू मारती हैं तो कहाँ मार रही हैं? मंदिर में मार रही हैं, घर में मार रही हैं? मंदिर में झाड़ू मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं, भक्ति या कर्म? उसका मतलब आप घर को आप कैसे देखोगे कि ये भगवान का मंदिर है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ? हाँ, ये नहीं प्रभु जी के ये भी मंदिर है और जोशी जी का घर भी मंदिर है इसलिए उनके घर में घुस जाऊँगा, नहीं। भगवान ने वो घर जोशी जी को ट्रस्टी बना के दिया है, समझ गए आप? नहीं तो क्या लॉजिक होगी, गवर्नमेंट हमारी, बैंक में पैसा गवर्नमेंट का इसलिए पैसा हमारा, गलती मत कर बैठना। तो इसी तरीके से वो घर भगवान ने वो मंदिर को ट्रस्टी बनाया है उन पर्टिकुलर व्यक्ति को, परंतु ट्रस्टी बन के रहना, आसक्ति मत पैदा कर लेना। अब क्या होगा प्रभु जी, आप घर को ज्यादा साफ रखोगे या पहले से ज्यादा कम रखोगे? मंदिर हो गया, अब तो आप सब कुछ बड़े ध्यान से रखोगे, है ना प्रभु जी? तो अब एक पार्ट लाइफ का क्या बन गया प्रभु जी? भक्ति। जो पैसा आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको रखने के लिए बन गया भक्ति। अब आते हैं दूसरे पे, किस पे? आहार। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार रिपोर्ट आई थी कि 40 इंडिया के अंदर मोस्टली लोगों का 40% पैसा खाने में जाता है। तो प्रभु जी घर हो गया, अब आते हैं खाने के लिए। अब आप सब्जी खरीदने जाते हो, फ्रूट खरीदने जाते हो, पहले किस लिए उद्देश्य होता था? अरे बड़ा अच्छा सेव आया यार, घर में बच्चों के लिए ले जाते हैं। नहीं, अब भगवान के लिए लेने के जाने का मूड क्या बनाओ कि अब मैं जो भी लेके जाता हूँ किसके लिए जाता हूँ प्रभु जी? भगवान के लिए लेके जाता हूँ। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल छोड़ के भगवान नहीं खाते, भगवान नहीं खाते, और जो वो नहीं खाते वो हम भी नहीं खाते। आपका दामाद घर पर आ रहा है और वो कहता है कि मैं करेला नहीं खाता, और अब पता लगा आप 6 किस्म के करेला बना के रखते हो उसके लिए। दामाद का एग्जाम्पल लेना पड़ता है क्योंकि उसके सिवा तो आप किसी से मानते ही नहीं हो, है?
तो भगवान ये नहीं खाते। तो अब क्या हुआ प्रभु जी, माता भी अगर जाके सब्जी खरीदनी है, किस लिए खरीद ली है, किसके लिए खरीद रही है? गोविंद देव जी के लिए, कि राधा गोविंद देव जी विराजमान है, उनके लिए मैं लेके जाऊंगी। तो उसका मतलब अगर मठड़ी भी बना रहे हो घर में, किसके लिए बना रहे हो? बच्चों के लिए नहीं, भगवान के लिए, गोविंद देव जी के लिए, उनके लिए बनेगा। उसका मतलब जो भी अन्न मेरे मुंह में जाएगा, जो भी चीज इन चीजों को छोड़कर जो भी मेरे मुंह में जाएगी वो प्रसाद होगी। अब इसका समझ लो मतलब क्या है, क्योंकि प्रभु जी इनको छोड़कर भी अगर आप अन्न खाते हो तो जीव हत्या कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जो आप वीट खाते हो, गेहूं खाते हो, उसमें जीव है कि नहीं? सुंदर जीव है। अगर उसको भी सीधा खाते हो तो आप सतोगुण का कार्य तो जरूर कर रहे हो, परंतु आप साथ में पाप भी कर रहे हो, साथ में पुण्य भी कर रहे हो। उसका मतलब पैसे भी मिलेंगे और जूता भी पड़ेगा। जब इस भौतिक जगत के अंदर ध्यान रखना, कोई भी शुद्ध सुख नहीं प्राप्त कर रहा, क्योंकि हर चीज के साथ हेड भी है और टेल भी है, पाप का असर भी है और पुण्य का असर भी है, पुण्य का भी है पाप। अब क्या करते हैं प्रभु जी, प्रसाद में हमने जो बनाया सारा किस मूड से बनाया माताओं ने, कि भगवान को भोग लगेगा। और कैसे बनाओ? हरे कृष्ण गाते हुए बनाओ ना प्रभु जी, चिड़के क्यों बनाते हो? भगवान के लिए बना रहे हो बना। अब उनके लिए थाली अलग रखो। थाली का मतलब नहीं सिर्फ सोने की थाली या चांदी की थाली, भगवान भाव की थाली के इंटरेस्टेड है। परंतु अगर सोने की रख सकते हो तो सोने की रखो, अगर पैसा है उतना। सारा किसका है? भगवान का है, तो रखो सोने की थाली। भगवान के सामने अब भोग लगाने का तरीका है प्रभु जी, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। जब तक हम भगवान के साथ बहुत क्लोज नहीं हो जाते, क्लोज होने के लिए एक जरिया होता है, उसको साधना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? साधना। तुलसी लीजिए, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि भगवान हमारे हाथ का खाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो हमसे इंप्रेस्ड हैं, चाहते हैं कि ज्ञान लें, तो मैं कहूंगा प्रभुपाद जी की फोटो लेके जाएं। प्रभुपाद जी ने हमें बोला था कि तुम टेंशन मत करा करो, तुम मुझे दे दिया करो, मैं आगे भगवान को खिला दूंगा। और गुरु का काम यही है, जब हम गुरु को अर्पण करते हैं, जो गुरु कृष्ण को मानता ही नहीं, जो निराकार में ब्रह्म में विलीन होता है, लीन हो जाओगे, ऐसा करोगे वो तो बेकार है, उसका फोटो लगाओगे, जूते खाओगे। तो हम भगवान को भोग लगाते हैं। शुरू में कोई टेंशन मत करिए, आप लेके जाइए थाली, अगर पत्तल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पत्तल अफोर्ड कर सकता हूँ पत्तल, नहीं तो स्टील की थाली, तो स्टील की थाली लगाई प्रभु जी, कटोरियाँ अलग अलग। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग बताऊँ क्या करते हैं आपके यहाँ? और जी हमारे लड्डू गोपाल हैं जी। अच्छा जी, क्या करते हो तुम, क्या खिलाते हो? जी थोड़ी शुरू से मिश्री रख देते हैं सुबह, और दूध रखते हैं। बेटा तुझे 4 दिन खिला दूं मिश्री दूध, तेरा बैंड बच जाएगा। भगवान को तो सोचते हैं पत्थर की मूर्ति है। अरे अगर हम अंश में भाव है, वो अनंत है, उसमें अनंत भाव है। अगर हमें बुरा लग सकता है तो उसे अनंत गुना ज्यादा बुरा लग सकता है। अगर हमें इतने भूख लग सकती है तो उनको अनंत गुना भूख लग सकती है। तो उनकी भूख तो भाव से खत्म होती है। और भाव दिखाने के लिए ये नहीं होता इतना सा देना। प्रभुपाद जी ने हमसे कहा था कि अगर आपके पास गोविंद देव जी जैसे अगर अर्च विग्रह का आपने लगा रखा है फोटोग्राफ, तो उसका मतलब उनको कम से कम अगर छोटी पूरी होती है तो 16 पूरी दीजिए, जो एक 16 साल का बच्चा खाता है उतना उनको दीजिए। समझे आप? हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है, हम अपने लड्डू गोपाल किसी के पास ले जाते हैं कहीं कि भोग लगाना, तो पता लगा एक रोटी वो भी बेचारी हिलती फुलती, एक रोटी इतनी सी सब्जी। अरे कर क्या रहे हो तुम, मेरा गोपाल भूखा रह जाएगा भाई, भर के दो। आप भी भर के लगाइए, जैसे अपने बच्चे को खिलाते ना कि 4 क्यों खाता है, एक और ले ले, 5, 6, 8 रखिए, एक खा लियो तू। ये भाव होता है। इतनी सी मिश्री टिका दी, इतना दूध टिका दिया, बस मजाक बना रखा है। खुद खाएंगे लड्डू पेड़ा पूरी और भगवान खा रहे मिश्री। भगवान सोचते हो यार बर्बादिया किस घर में फंस गया, खुद तो पूरी उड़ा रहा है बदमाश और मुझे मिश्री खिला रहा है। ये भाव है, ये प्रेम है। प्रेम के लिए दिखाना पड़ता है प्रभु जी। तुलसी रखिए हर जगह सब पे, और उनको लगाइए सामने। सूखी चिनाई मत करा देना, पानी का गिलास भी रखना। सूखी चिनाई का मतलब समझ गए ना, चिनाई करने का पानी डालना पड़ता है प्रभु जी, हाँ तराई जो होती है। तो सूखी चिनाई मत करा देना, पानी का गिलास उनका रखिए। अब आपके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है सबके साथ, आप किसी के घर में प्रसाद खाना खाने गए, चलिए अभी बात तो खाना की हो रही ना, खाना खाने, वो आपके सामने भोजन लाता है और रखता है और आपकी शक्ल को देखता है उठा के ले जाता है, तो आप क्या कहोगे? अबे खाने का टाइम तो दे, भगवान को भी 15 मिनट तो दो। उनको मानिए प्रभु जी, वो व्यक्ति हैं, उनको व्यक्ति मानिए प्लीज।
ये तो प्रेम कभी भी जड़ से नहीं कर सकते, रखिए वहां। पर्दा अगर घर में है तो पर्दा लगा दीजिए सामने, छोटा सा ढक दीजिए, खाने दीजिए आराम से, 15 मिनट बाद ताली बजाइए या घंटी बजा के उनको खोलिए, बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को भोग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भगवान भोगता है, भोग वही लेता है जो स्वामी होता है, और प्रसाद का मतलब होता है कृपा, दास कृपा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं उसमें से सारे पाप कर्म निकाल लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा है यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, कि जो लोग अपनी जीवा के लिए खा रहे हैं वो कुछ नहीं पर पाप खा रहे हैं, और मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हैं क्योंकि पहले मुझे भोग लगा के खाते हैं। आज मुझे माता पिता आते हैं सबके लिए अच्छा करो, मैंने अपने बेटे का तो बर्बाद कर रहा है तू, अरे कैसे, मैंने क्या खिलाता है उसको, प्रसाद खिलाता है खाना खिलाता है? प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है और खाना खाया जाता है, जानवर खाते हैं इंसान पाता है। क्या इतना पाप खिला दिया, बैंड बजा दिए कि मेरे जन्म जन्मांतर बर्बाद कर दिया, ऐसे पिता के यहाँ क्यों जन्म हुआ मेरा? क्या पिता है प्रभु जी, क्या हित सोच रहे हो आप? गीता का 3rd अध्याय 13वां श्लोक पढ़िए, यज्ञ शिष्टाशीनो विष्णु के लिए बनना चाहिए, कृष्ण के लिए बनना चाहिए। आप प्रभु जी उसको उठाइए, सब में मिला दीजिए, रोटी मिला नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए, कोई टेंशन मत करिए। आप प्रसाद पा रहे हैं, घर वाले प्रसाद पा रहे हैं, और प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा। अब मैं बात करता हूँ, कृपा प्रभु जी इतनी सी पानी पाना चाहोगे कि इतनी है, इतनी मिल जाए ठीक है, परंतु यार थोड़ा और नहीं मिल सकते हैं? तो हम सब कुछ जो मुंह में जाता है वो भगवान को भोग लगता है, हम नहीं पाते कुछ चीज़ जो भगवान को भोग नहीं लगता।